गाइस तभी हमारी कार को रोक दी गई है चेकिंग के लिए। यहाँ पे सही है रोकना, लेकिन इस तरीके से रोका गया, हम डर गए क्या हो गया। जब चेकिंग के लिए कार रुकी है, ऐसे रोका गया ना कार को कि जैसे लग रहा है क्या हो गया भाई मेरे पति। आपका वर्दी नहीं, पहले आप बात मत कीजिए, आपका वर्दी नहीं, आप बात मत कीजिए, आप बात फैमिली के साथ जरा, आप क्यों बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कीजिएगा। चलिए कैसे आप लोग कर रहे हैं, मैंने बता था कि हम भारी के बने हैं, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड देख के आपको वेरीफाई करके छोड़ देंगे। आधार कार्ड किस लिए मांग रहे हैं? तब कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर में। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग कार लेने आए ना हम लोग, हाँ अभी अजमोला खा रहे हैं और अभी यहाँ मिस्टर राज से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कार वार सब कुछ है, तो ये वाली कार तो है ही, लेकिन ये वाली कार हम लोग अभी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं गाइस, देख सकते हैं मिस्टी, हमारा ब्लॉग ट्रेंडिंग है, एक नंबर। हे गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुका था टाटा के शोरूम में गोपालगंज में। तो अभी फिलहाल यहाँ से मिथुन भाई गाड़ी वोड़ी अपना ले रहा है, मेरे पास अब टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है, मुझे दूसरी जगह भी जाना था एंगेज वो रिसेप्शन सेरेमनी में, तो वहाँ निकल रहे हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि वहाँ जाने में लेट ना हो जाए, इसलिए फटाक से निकलते हैं। देख सकते हैं मिथुन भाई हो रहे हैं इमोशनल, जा रहे हैं ऐसे ही कैसे चले जाएंगे। सचिन भैया आज रिसेप्शन है ना, तो इसलिए पता नहीं था, अभी निकल रहे हैं वो लोग, इधर हैं हम लोग, इधर हैं, सबसे मिल लेते हैं, सब चले मिल लिए सबसे, सबको बाय बोल के आते हैं गाइस। ठीक है ये पूजा, सचिन जा रहे हैं, बाय बाय पूजा। हाथ काँप रहा है, जल्दी जल्दी हाथ लो, बाय बाय मिलता है, बहन का गांव होता है खर्चा भर, पैसा नहीं है इनके पास, एक काम दो रुपया है, 200 रुपये लेंगे, 200 1 रुपये, ए रा 2 रुपये ज्यादा महंगा हो जाता है, ये वाला चलता नहीं है, हम नहीं चला रहा पाएगा, नहीं चलता पड़ेगा, ए जरा कि 100 रुपये दे देगा अपना, अरे बहुत प्यार है, कुछ भी दे सकते हैं, जा रहे हैं बाय टाटा, अमनौर में रुक लीजिएगा, चाय पानी पी लीजिएगा, अगर आपको जाना होगा तो अमनौर अच्छे कर लेना, पटना जा रही हो, आ जाना हमारे घर पर, आते टाइम। हे गाइस, तो जैसे शोरूम से हम लोग निकले ना, बहुत रोड टूटा फूटा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि एक पुलिस की वैन थी, तो पुलिस की वैन साइड में मेरे को लगा रुक रही है, तो मैंने उसको ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक भी स्पीड पे मेरी 30-40 की स्पीड होगी, तो जो इस वैन का ड्राइवर था ना, शायद रेड शर्ट में था, वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, तो वो आकर के बदतमीजी करने लगा, गाड़ी रुकवाया पहले ऐसे जैसे कि पता नहीं हमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मैं भी खुद सोचा यार इतनी खतरनाक तरीके से पुलिस रोक क्यों रही है, लेकिन फिर मैं गाड़ी से जब उतरा तो उन लोगों ने बोला गाड़ी चेक कराओ, क्योंकि हरियाणा नंबर उन लोगों ने देख लिया था, ये गोपालगंज पुलिस है, बिहार पुलिस, आगे देखिए। यहाँ पे हमारी कार को रोक दिया गया, पुलिस वालों ने रोक दिया गाइस, तभी हमारी कार को रोक दी गई है चेकिंग के लिए, चेकिंग के लिए कार रुकी है, ऐसे रोका गया ना कार को कि जैसे लग रहा है क्या हो गया भाई मेरे पति यहाँ पे है, गजब, मतलब यहाँ पे सही है रोकना, लेकिन इस तरीके से रोका गया, हम डर गए क्या हो गया, जबकि हम लोगों ने सीट बेल्ट और कार की स्पीड भी से मतलब सही थी, लेकिन फिर भी मामला को गंभीर होता देख मनीषा गाड़ी से उतर गई, और अच्छा हुआ इसने वीडियो बना लिया। यहाँ पर ये जो रेड शर्ट में था ना, ये शायद मेरे को लग रहा है ड्राइवर ही था, क्योंकि इसका ड्रेस वगैरह था नहीं, और जितने पुलिस वाले मेरे को कुछ नहीं बोल रहे ना, उतना ये चिढ़ा हुआ था, तब मेरे को बाद में रिलीज हुआ शायद ये ड्राइवर होगा, कहीं ओवरटेक हुआ है तो इसलिए चिढ़ गया है, कह रहा है कि
तुम काम कर रहा था, तुमको चलाने आता है गाड़ी, तुम कैसे गाड़ी चलाते हो, तुम साइड में गाड़ी लगाओ, तुम बाहर का नंबर जो भी है, मतलब बाहर का नंबर देखे गाड़ी का, तुमको पता नहीं है, तुम कैसे क्या। मैं बोला कि तुम्हारा पहले वर्दी कहाँ है, आगे आप लोग कन्वर्सेशन सुनिए और देखिए। आपका वर्दी नहीं, पहले आप बात मत कीजिए, आपका वर्दी नहीं, आप बात मत कीजिए। आप बात सर, इनका वर्दी नहीं, कैसे बात कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे। अच्छी बात है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप लोग रोके कैसे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कीजिएगा। चलिए आप सही आदमी है, आप वाइफ है ना सर साथ में। तो ये जो पुलिस वाले लोग थे ना, ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, शालीनता से, नो डाउट। मैं कोई जहाँ जो गलत है सो गलत है, बात कर रहे थे ठीक से। मैंने इनको फिर भोजपुरी में, इनको लगा कि मैं बाहर का हूँ, वो खास करके ड्राइवर को था, तो मैंने भोजपुरी में कुछ बातें की, फिर ये लोग जाके और अच्छे से समझ पाए मेरे को। मैंने बताया था कि हम बॉडी के बनी हैं, तो कोनो बात ना भाई, आपसे कोई गलत शब्द नहीं बोला जा रहा है। कैसे बात, इतना स्पीड में आ गए थे, कितनी स्पीड में आ जाएंगे इस रोड पे, आप बताइए ना। इस रोड से पीछे, इस रोड से पीछे, कहाँ पीछे से आपको बोल रहे हैं, यहाँ स्पीड लाइट कहाँ स्पीड है, आप दिखा, आप सीसीटीवी दिखाइए या कुछ दिखाइए, मेरे पास गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं। मेरे पास फैमिली है, आप यहाँ पर गाड़ी पर रोक करके चार लोग पांच लोग आप लोग घेर करके क्या प्रूफ करना चाहते हैं, प्रूफ यही करना चाहते हैं गाइस। ये है गोपालगंज बिहार पुलिस, आपको मैं बता दूँ, ये सब तो बहुत गलत बात है ना। आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड मांग रहे हैं, आधार कार्ड देख के आपको वेरीफाई करके छोड़ देंगे, आधार कार्ड किस लिए मांग देख लीजिए, जो बता रहे हैं जैसा, ये छोड़ दीजिए, हो गया। आप लेकिन आप वर्दी में नहीं है, आपके पास राइट नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, मैंने इसको ईगो में नहीं लेना है, ईगो में बात नहीं, आप गलत तरीके से रोक रहे हैं, फैमिली के साथ आप स्पीड में थे ना, स्पीड में रहा है, मेरी गाड़ी का चालान करेंगे, हो जाए अरे भाई कुछ नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। सचिन राज, तो ऐसा लगा क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन टाइम वेस्ट हो गया, कुछ भी कहो, लेकिन हमको बार बार बोल रहे थे अंदर बैठो, हम बोले नहीं अंदर क्यों बैठेंगे, इनसे सब ऐसे हो। अब वो पुलिस ही थे जो वर्दी नहीं पहने थे, वर्दी नहीं पहना आके, कसम से बताया ना, वो लग ही नहीं रहे थे पुलिस, हमको लगा कोई बाहर का आदमी है, करे गाड़ी चेक कराओ, क्या लेके भाग रहे हो, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। ये बिहार पुलिस है गाइस, देखो फैमिली को देख रहे हैं, गाड़ी में कुछ भी नहीं है, कितना स्पीड में गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो एकदम नॉर्मल चल रही है, रोड एकदम इतना अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रोड है कि कोई चाह के भी आपको 50 के ऊपर नहीं लेके जा सकता, इतना ब्रेकर है। तो गाइस अभी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिस तरह से वो रोका है हमको, लग रहा पता नहीं हाँ, क्या क्राइम कर दिया, हम तो सब कुछ रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमको पता है ना कैमरे में सब कुछ रियल कैप्चर हो सकता है, कैमरे में जो शूट हो जाएगा ना उसको कोई झुठला नहीं सकता, इसीलिए कभी भी ऐसा होना तो आजकल के डेट में कैमरा ही बहुत बड़ा पावर है, तो इसलिए हमने कैमरा ऑन कर दिया था। हम तो ऐसे ऐसे जा रहे थे, अचानक से वो लोग रुका, हम बोले ऐसे क्यों रुक रहे हैं, हम लोग अपनी सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगाए हैं, और इस जगह पे तो स्पीड नहीं, ये लोग सोचा कि हम लोग 5-6 पुलिस वाले हैं, हरियाणा नंबर का गाड़ी है, गाड़ी हम रोक देंगे, गाड़ी जा रही है, अब सफारी को कोई देख के बाहर का नंबर सोच के बोले हैं, हम बोले कि रुकिए बता रहे हैं, फिर हम बात किए जब उनसे, तब उनको पता लगा कि लोकल ही आदमी है, तब जाकर वो रिलैक्स हो गए। पुलिस वाले ठीक बात कर रहे थे, पुलिस वालों में मेरे को वो नहीं है, वो जो एक लड़का कह रहा हम भी पुलिस में है, रेड शर्ट पहना हुआ है, किसी एंगल से पुलिस का नहीं लग रहा है, वो पुलिस में तो वर्दी नहीं है, तो बात क्यों कर रहे, चलो हटो यहाँ से। पुलिस वाले को तो हमको खुद नहीं पता लगा कि वो पुलिस वाले हैं, वहाँ पे लोग ऑलरेडी जमावड़ा लगा दिए, मेरे गाड़ी में कितना स्पीड है, और ये पता है क्या, ये नेशनल हाईवे है, अब हाईवे पे तो आपको स्पीड लिमिट कहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर से अगर हम 50 की स्पीड पे चला भी रहे हैं, 40 की स्पीड पे चला भी रहे हैं, यहाँ चलाने जहाँ थे ही नहीं, जहाँ तेज स्पीड में चलता है वहाँ कोई लफड़ा नहीं है, ऐसे तो ऐसे रोड में, ऐसे रोड में चल सकता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं स्पीड लिमिट तोड़ दियो, पीछे का चलो मैं मान सकता हूँ कितना चला स्पीड वो लगा, ज्यादा से ज्यादा चलान करिएगा, और क्या फैमिली को रोक करके आप परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, लाइसेंस मांगेंगे, अब आधार कार्ड क्यों मांगेंगे, पहले तो पुलिस वाले का समझ ही में नहीं आया दिमाग क्या है। टाइम वेस्ट भी हो गया, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा सिवान के तरफ, ये गोपालगंज पुलिस थी ना, गोपालगंज पुलिस बिहार पुलिस थी, लेकिन मेरे को पुलिस वालों से कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत मेरे को थी उस लड़के से जो वो लड़का पुलिस का नहीं, मेरे को भी लगा वो सही तरीके से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी इस तरीके से आया, हमको लगा कि उसका कुछ हुआ है क्या, ऐसे वो कर रहा है, पुलिस वाले का तो थोड़ा लगा कि चलो कुछ ऐसे कारवार का है।
लेकिन जब पुलिस वाले कार को चेक करने आया तो मेरे को बहुत तेज हंसी आ रही थी कि हम लोगों का कार चेक होने वाला है। उनको लगा कि हरियाणा में दारू वारू लिया होगा, कुछ लेके भाग रहा होगा, मतलब गाड़ी है। कोई बात नहीं, उनका तो हक है चेक करने का, लेकिन जब आप देख रहे हो परिवार है, फैमिली है, चलती गाड़ी को आप साइड में लगवा करके इस तरीके से ऐसे नहीं, मतलब पता नहीं हम ये सारा कुछ हमने शूट किया है, वो बहुत गलत तरीके से रोके तो एकदम आगे कार लाके एकदम ऐसे 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 करने लगे। पहले साइड से गए हमारे हमारे लेफ्ट साइड से, और उसके बाद कार को ऐसे ऐसे इनको हाथ दिए, फिर वो लोग आगे कार के आगे जाके अपनी कार को लगा के उसके बाद से वो लोग उतर के तब जाके ऐसे चेकिंग किया। सीसीटीवी कैमरा दिखाया, उनको यही नहीं पता है कि सीसीटीवी कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है, उनको स्पीड ट्रैकिंग कैमरा बोलते हैं कि स्पीड कितना गया, कहाँ गया, गाड़ी आएगी जाएगी, रोड बना हुआ है, आरटीओ दिया हुआ है, तो और कहीं कहीं जाएगी गाड़ी। कुछ भी मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉजिक से इन लोगों ने क्या रोक लिया गाड़ी। उनको मेन ये लगा कि हरियाणा नंबर है, बाहर की गाड़ी है, और आप भी इतना पहन वहन के चल रहे हैं ना तो लगाओ। लेकिन ऐसे नहीं करना था वैसे, बट कोई बात नहीं, इसको तो हम टैग करेंगे। ये तो गलत तरीका है, मेन गलत तरीका क्या है कि आप बिना वर्दी में, पुलिस वाले अगर हैं तो बिना वर्दी में कैसे हैं? कौन पुलिस वाले हो तुम? एटलीस्ट वर्दी तो पहन देना चाहिए। लिखित रूप से इनका इन लोगों का कंप्लेन देना चाहिए कि वहां पे ये नहीं कि एक दो लोग हैं, वहां पे 12-13 पुलिस वाले तो 5-6 ही थे, वो लोग ज्यादा आ गए। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पहुँच गए फिर से सिवान, और मार्केट में हैं, तो यहाँ से भी रिसीव करेंगे, और फिर रिसीव करने के बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग पटना के लिए। वैसे हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, हम तो रेडी भी नहीं हैं, हमको लग रहा है रेडी हो के ही जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले हो जाते अगर रेडी भी होते तो, इसलिए अगर इस टाइम से निकलना होता तो हम पकड़। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन बताना, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ये कहूँगा कि आप भी डरो मत, जब भी पुलिस है पुलिस आपकी हेल्प के लिए होती है, आप अगर सही हो गलत नहीं हो तो आपको कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं ना पुलिस वाले से एकदम डर जाते हैं बिना गलती के और उनको पैसे देने लग जाते हैं, जो भी है तो पैनिक नहीं होना है ऐसे सिचुएशन में, अपने आप को समझना है कि अरे यार कुछ भी तो गलत नहीं है, जब गलत ही नहीं है, और बिना वर्दी वाले का तो कोई मतलब वो ही नहीं है कि वो बात करे, क्योंकि वो ड्राइवर था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जो भी था ड्राइवर था नहीं था पुलिस वाला था नहीं था वर्दी में नहीं था तो भैया हमारे लिए तुम कुछ नहीं हो, और सब कॉन्स्टेबल भी थे, SHO भी नहीं था कोई वहाँ पे, उनको लगा कि यार कोई होगा ऐसे ड्राइवर वगैरह या वैसे, फिर वो मेरे को जब देखे तो उनका थोड़ा सा नॉर्मल हो गया क्योंकि उनको पता लग गया कि मैं लोकल हूँ। लोकल होना बहुत मतलब पता नहीं ऐसा क्यों होता है हर जगह, यहाँ ही नहीं मतलब हर जगह ऐसे कि आप अगर लोकल हो ना तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन बाहर वालों को भी दिक्कत मत किया करो यार, वो भी तो इंसान है हम जैसे, बस बोल रहा करो आप भी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई भी अगर दिक्कत आपको दिखता है, कोई भी अगर आपको लग रहा है सिचुएशन में हो, तो आप अपने आप को बोल्ड रखो, सिचुएशंस को मैनेज करो, सब कुछ ठीक होगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज के इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।